चुपके चुपके। अभी सर लीव गेटिंग लेट। अरे कहाँ जा रही हो, साथ में चलते हैं ना, मैं छोड़ दूंगा आज। अच्छा एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज तो मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? For this, तुम्हें सिर्फ हक से इतना कहना होता है कि शर्ली ड्रॉप मी होम। अरे अभिषेक, अभिषेक। हेलो। हेलो मीरा जी। मीरा जी, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ नीरज, जल्दी बोलो। तुमने आज तक मुझे कभी भाव नहीं दिया और मुझे घर पे लेकर भी आए भी तो तब, जब जब कोई नहीं है। अच्छा थोड़ा जल्दी करो, मीरा आ जाएगी। अभी चाची अपने सब सुना क्या? तुमने सब बता दिया क्या? तुम्हें मना किया था ना मैंने किसी को कुछ भी बताने से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी अकल लड़ानी है। मैंने तुम्हें लड़ने का इतना अच्छा बना दिया, यहाँ क्यों लड़ रही हो मुझसे? For your kind information, अभिषेक, तुम्हारा वाना खाली गया है। क्यों? सिंधु चाची ने अंकिता को मना कर दिया कि वो किसी से कुछ ना कहे, तो अंकिता कुछ नहीं कहने वाली किसी को नहीं। अब तो मुझे ही धमाका करना पड़ेगा। I have an announcement. अभी ने मुझे शर्ट गिफ्ट की। Really? और तुमने मुझे आज तक एक रुमाल भी नहीं दिया। I was playing with the emotions of a little innocent girl. और उसी के साथ नहीं, घर में सबके साथ। मैं कह रही हूँ अभी हम ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है। बस मैंने ऐसे ही पूछा वो जानने के लिए कि दोनों के बीच में सब ठीक है ना। ठीक से भी ज्यादा ठीक है। मीरा कितनी समझदार है, दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना, बहुत अच्छी तरह समझते एक दूसरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा कभी? झगड़ा झगड़ा क्या होता है दोनों को पता भी नहीं है। ओ झगड़ा क्या होता है उन दोनों को पता भी नहीं है। कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हो ही नहीं सकता। जिन लोगों के बीच में प्यार होता है उनके बीच में झगड़ा होता ही होता है। हाँ ये एक मिनट, ये जो छोटे है ना, ये अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन ये जो बड़े है ना, वो उनकी चालाकी पकड़ ही लेते हैं। चालाकी? बुआ जी अब क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुझे समझने की जरूरत नहीं है ना, तू जा जाके चाय बना के ला, जा अदरक वाली, जा जा जा, जा। अरे सुन, अब थोड़ा सा ना कुछ खाने को भी बना लाना। अच्छा क्या बनाओ? ऐसा कर तू कुछ मीठा बना ले, क्योंकि क्या ना कड़वी बातें करने से पहले कुछ मीठा खा ले तो अच्छा है ना। जा। कड़वी बातें? अरे बोला ना, दिमाग पे जोर मत दे, जाके हलवा बना ले, जा जा जा। क्या हुआ तुम, क्या हो गया, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। परेशान दिख नहीं रही हूँ अभी, परेशान हूँ ये सोच सोच कर कि हम दोनों कितना गलत कर रहे हैं। With all the people who love us, तुम शर्ली के साथ और मैं अंकिता के साथ। पता है आज अंकिता का फोन आया था मुझे, और जानते हो वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि वो हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कितनी परेशान है, कितनी कंसर्न्ड। कब आएगी? अरे पुन्नू कैसी है तू? बस कमल भाभी, आप ही के इंतजार में बैठी हूँ मैं। अच्छा ओ माजी आप आ गए, इनको आपको कुछ बताना है। हे भगवान, आज बुआ घर में आई है और इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जरूर कोई बवाल होगा। बोल क्या बात है। हाँ मुझे ना आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे तो बता ना क्या बात है। मुझे ना आपके पोते की करतूत बतानी है। अब पहेलियां बुझाना बंद कर दे, साफ साफ बता क्या बात है। बुआ जी। हाँ बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। मैंने ना
आपके इस पोते को एक लड़की के साथ देखा। तूने जरूर इसे किसी दोस्त के साथ देखा होगा। अरे कमल भाभी, मुझे ना दोस्ती में और वो जो एक गर्लफ्रेंड क्या होती है उसमें फर्क मालूम है, समझिए आप। अभी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बिस्तर पर बैठकर मत खाया करो। आई थिंक 38 टाइम्स कहा है। नहीं आप 39? नहीं नहीं 38, 38 इज करेक्ट। सीरियसली तुमको मजाक सूझ रहा है? अरे मीरा, एप्पल खाओ ना, बहुत मीठा है, कमाल का एप्पल है। मुझे नहीं खाना, थैंक्स। अरे मीरा, एप्पल से क्या नाराजगी? वो कहते हैं ना, an apple a day keeps the doctor away. Good for you, मुझे नहीं चाहिए। अरे यार, मित्र और सखी हमारी भी थी, लेकिन हम कभी किसी सखी के साथ में आपत्तिजनक मुद्रा में नहीं पाए गए थे, समझे? आपत्तिजनक मुद्रा? ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सुनने में बुरा लग रहा है, और वो जो तुम करते हो तब खराब नहीं लगता? अरे पापा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक बात सोच, ये बात कौन कर रहा है? पुन्नू, उसको तो बातें बढ़ा चढ़ा के बात करने की आदत है। अभी देखो, थोड़ा ध्यान से ओके, ये खाना खिलाते खिलाते कहीं वो तुम्हारे प्यार में ना पड़ जाए। अरे वो मेरी दोस्त है, a friend who cares. अभी प्यार और दोस्ती के बीच में there's a very thin line. So all I'm saying is be careful. बाहर कितना बारिश हो रहा है ना, तो हमारा घर टपक रहा है। ओहो, बेडरूम भी टपकने लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, प्लीज कम एंड स्टे इन आवर बेडरूम। ये तो सोने की अशर्फी है। और सोचो अगर ऐसे हजारों अशर्फी हमारे पास हो तो तुम्हारी और हमारी लाइफ तो सेट है ना, वंस एंड फॉर ऑल। कहां से आएंगी इतनी सारी अशर्फियां? तिवारी जी का घर खोद के। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ मिला भी दी और गोल भी दी है। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। बड़ो तो हमसे घनी मेहनत करवाने की सोची थी, शुक्र है भगवान का कि लक्की जी टीम पे आ गए। उसके बाद जो बड़ो को डांट पड़ी माँ, हमने भी कुछ कम ड्रामे ना किए। हम तो बेचारे बने हुए थे कि सुबह से बस काम ही कर रहे, काम ही कर रहे। शादी ब्याह में इतने काम होवे से कि अगर एक अकेला इंसान करने जावे से ना तो उसकी कमर ही टूट जावे, और सारा काम बस बेचारे बड़ो किए जा रही। मैंने समझ ही ना आया, कोई भी बड़ो का हाथ बटाने आगे ना आए, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। बहुत हो गया, मैं अपनी गलती सुधारूं। आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। बिस्तु एक का हुआ है बेटा? क्या मंदिर गए थे ना, तो हुआ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारानी होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई, जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा। अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है। मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। आप हमारी एक रिक्वेस्ट मानेंगी? बताइए। आपसे रोज बात करना चाहते हैं। हम वादा करते हैं। बिस्तु एक का हुआ है बेटा? क्या मंदिर गए थे ना, तो हुआ ना गुंडा लोग आ गया था हमको मारने के लिए। जहाँ जहाँ इमारानी होती है ना, वहाँ कोई ना कोई कांड तो होता ही है। अरे किसका हिमाकत है भाई, जो विकराल सिंह का बेटा जी और दामाद पर साला अटैक कर देगा। अरे बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, रागिनी थी ना, उसने सब कुछ एकदम अच्छे संभाल लिया। आज रणवीर जी ने सुबह सुबह छोटी माँ से आपके लिए झगड़ा किया। तूने खुद से सुनी बात? हाँ भाभी, मैंने खुद से सुनी। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। आप माँ, मुझे ना आपके साथ ही सोना है।
मैं रणवीर से पूछना चाहती थी कि आज मेरे लिए उन्होंने मम्मी जी से बहस क्यों की। तुम्हें एक बच्चे को किडनैप करके मेरे पास यहाँ लाना होगा। ये लो, ये रही उस बच्चे की फोटो और ये उसका एड्रेस। और सुनो, वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, बहुत ही पावरफुल है। उस लड़की ने हमें देख लिया, पकड़। आज भूतना किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे दिन पूरे हुए काम अब आओ मृत्यु की गोद में। आपने हमारी शक्ति तो देखी है, अब इस दुनिया का कमाल भी देखिए। आप में यहाँ की रानी बनने के सारे गुण हैं, इसीलिए मैं आपको ये अवसर दे रहा हूँ। पर एक शर्त है। कैसी शर्त? आने वाली अमावस्या को आपको संतोषी और उसके पति की आहुति देनी पड़ेगी। अगले हफ्ते बारिश में देखिए, क्या प्रीत और राज हो जाएंगे एक, या प्रीत का ये सपना रह जाएगा हमेशा के लिए अधूरा। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन, जिसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, उसकी याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा, और बदले में तू मुझे मेरे घर को और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता